हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एचटीएमएल सीरीज में एचटीएमएल विद सीएसएस के बारे में, मतलब एचटीएमएल फाइल पे सीएसएस का यूज़ कैसे और किस टाइप से करते हैं, यहाँ पर उसे हम देखेंगे और एग्जांपल भी देखेंगे कि सीएसएस के टाइप्स को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीएसएस के बारे में। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, और सीएसएस जो है आपके कई सारे वर्क को बचाता है। यहाँ पर आप एक वेब पेज में नहीं, कई सारे वेब पेज में जो है सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं। और जो CSS है वो आपके जो नॉर्मल से HTML फाइल जो होते हैं उसे अगर आप अच्छे से बनाना चाहते हैं, क्रिएटिव ढंग से बनाना चाहते हैं और अच्छा शो लगे, अच्छा अट्रैक्टिव बने, उसके लिए आप CSS स्टाइल का यूज़ जो है आपको करना पड़ेगा। और CSS को यूज़ करने के लिए आप अगर देखेंगे तो स्टाइल प्रॉपर्टी का आपको यूज़ करना पड़ेगा। और जो आप CSS जो लिखेंगे वो जो है नेम वैल्यू के फॉर्म पे वो रहता है। नेम लिखेंगे, फिर कॉलम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप उसका वैल्यू और सेमी कॉलम से उसे एंड करिए। और यहाँ पर हम एग्जांपल पे उसे हम देखते हैं कैसे होता है वो, क्या है। यहाँ पर मैंने नोटपैड में जो है वो यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर रखा हुआ है, मैं उसे उठाता हूँ यहाँ पर से, कॉपी करता हूँ। आप यहाँ पर देखिए HTML 5 के फोल्डर पर मैंने HTML विद CSS का एक फोल्डर के अंदर index.html मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, और इसे मैंने VS कोड में यहाँ पर खोल दिया है। और यहाँ पर मैं जस्ट अपना जो कोड है उसे मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर देखिए एक HTML एलिमेंट है, P एलिमेंट है यहाँ पर, और उसके अंदर आप देखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट है। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हमने जो अपना CSS लिखा है वो नेम वैल्यू के फॉर्म पर लिखा है। कलर जो हो गया वो नेम हो गया, यहाँ पर आप कॉलम देखिए है ना, और कॉलम के बाद उसका जो वैल्यू है वो वाइट है, हम इसे रेड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया रेड, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया ब्लू, ब्लू मैंने यहाँ पर लिख दिया। और जैसे ही आप इसे ब्राउज़र पे देखते हैं, ब्राउज़र पे देखने के बाद जैसे मैंने रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर देखिए ब्लू हेडिंग, यहाँ पर देखिए ब्लू पैराग्राफ। अब हम वापस अपने कोड में चलते हैं, देखिए हेलो वर्ल्ड जो हमने देखा वहाँ पर उसका कलर जो है वो रेड है, कॉलम जो सेमी कॉलम से है उससे सेपरेट है, ये फॉन्ट साइज है 24 पिक्सल। आप अगर यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे हेलो वर्ल्ड है, 24 इसका पिक्सल है। अगर आप इसे यहाँ पर 50 पिक्सल कर देते हैं, तो 50 पिक्सल करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये 50 पिक्सल हो गया। यहाँ पर देखें ब्लू हेडिंग, ब्लू हेडिंग ऐसा क्यों दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये टेक्स्ट एलाइन सेंटर है, मतलब वो सेंटर में दिखेगा, और उसका जो कलर है वो देखिए लाइट ब्लू है यहाँ पर। और जो यहाँ पर देखिए जो पी एलिमेंट्स के अंदर, यहाँ पर देखिए कलर उसका नेम है, उसकी प्रॉपर्टी जो है ब्लू है, टेक्स्ट एलाइन जो है सेंटर है, और ब्लू कलर होने के कारण यहाँ पर आपको ये ब्लू दिखते हैं। तो ये होता है CSS। HTML फाइल में इस CSS को यूज़ करने के लिए तीन तरीके होते हैं। पहला होता है इनलाइन CSS, दूसरा होता है इंटरनल CSS, तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS। हमने जो अभी एग्जांपल पे देखा वो था इंटरनल CSS, जिसमें हमने एक HTML एलिमेंट्स के अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके हमने अपने CSS की प्रॉपर्टी लिखी थी नेम वैल्यू पेयर के फॉर्म में, और उसे सेमी कॉलन से सेपरेट कर रहे थे। तो इनलाइन CSS तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं इंटरनल CSS ये क्या होता है। इंटरनल CSS जो होता है वो हेड सेक्शन के अंदर होता है, और स्टाइल एलिमेंट्स के अंदर जो है हम अपने CSS फाइल को यहाँ पर लिखते हैं। एग्जाम्पल पे हम इसे देखते हैं कि ये क्या होता है। मैं यहाँ नोटपैड में आता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ कोड यहाँ पर कॉपी करके लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पर अपना कोड जो है वो यहाँ पर उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं और इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया H1 टैग, H1 टैग यहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर लिखा है दिस इज अ हेडिंग, और यहाँ पर देखिए ये P टैग है, और यहाँ पर दिस इज अ पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो दो एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास हैं,
तो जो बॉडी में बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हमने लिखा है, इसे मैं कर देता हूँ लाइट ब्लू। लाइट ब्लू मैंने यहाँ पर इसे ऐसा लिख दिया। अब आप देखिए H1 एलिमेंट्स में कलर जो है वो ब्लू है यहाँ पर, और P एलिमेंट में कलर जो है वो रेड है। अगर आप मैं इसे सेपरेट करके ऐसे लिखूँ तो आप कुछ देखिए ऐसा कुछ लग रहा है ये देखिए। तो यहाँ पर जब इसे हम एग्जाम्पल पे देखेंगे सेव करके, तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए बैकग्राउंड जो है वो पूरा लाइट ब्लू हो गया, और पहला वाला जो है दिस इज़ अ हेडिंग, यहाँ पर देखिए H1 को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि कलर ब्लू। अगर इसका कॉपी करके अगर हम इसे सेम अगर ऐसा करके फिर से अगर लाते हैं, तो H1 और H1, H1 का जो वहाँ पर कलर दिया है कलर कॉलम, फिर उसका नेम, फिर सेमी कॉलन से उसको एंड कर दिया। अब आगे अगर इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सेम हेडिंग हेडिंग दोनों का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। आप ऐसे कई सारे कॉपी करके अगर H1 अगर आप और लिखते हैं उसका कलर भी ब्लू ही रहेगा। और P का यहाँ पर देखिए हमने कलर कॉलन रेड यहाँ पर दिया हुआ है, तो P जितने भी एलिमेंट होंगे या टैग होंगे तो उसका जो पैराग्राफ का कलर है वो हो जाएगा आपका रेड। तो ये होता है इंटरनल CSS। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल CSS के बारे में। एक्सटर्नल CSS जो होता है वो अपना सेपरेट CSS फाइल रखता है, और इसमें आप सिर्फ CSS के कोड लिखेंगे, क्लास नेम लिखेंगे, ID लिखेंगे, टैग नेम लिखेंगे, जो भी लिखे लेकिन आपको CSS का ही कोड उसमें लिखना पड़ेगा। सिर्फ आपको लिंक ऐड करना पड़ेगा हेड सेक्शन में। और दो तरीके होते हैं एक्सटर्नल CSS को बनाने के। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए HTML फाइल, जो हमारे पास है index.html, और CSS फाइल को बनाते समय जो उसका एक्सटेंशन होता है वो .css होता है। और ये सिर्फ CSS कोड को ही शामिल करता है अपने कोड में। और आपको जो है अपना CSS फाइल हेड सेक्शन के अंदर HTML डॉक्यूमेंट्स में लिंक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, मैंने जस्ट इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही आप देखिए इस लिंक पे, यहाँ पर आप देखिए style.css नाम का एक फोल्डर बना है। हम भी यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ, चाहे तो आप फोल्डर के अंदर भी इसे रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टाइल STYLE स्टाइल डॉट एक्सटेंशन उसका होता है CSS का, CSS, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया। और मतलब यहाँ पर जैसे ही आप आए यहाँ पर देखिए CSS फाइल यहाँ पर आ गया। CSS फाइल के लिए मैंने यहाँ पर जो CSS कोड है वो यहाँ पर मैंने कॉपी करके रखा है, ज़्यादा टाइम मत लगे इसलिए, तो यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए H2 एट्रीब्यूट का जो कोड है आप देखिए, फॉन्ट स्टाइल इटालिक है, साइज 30 है, और कलर जो है वो रेड है। पी टैग का आप देखिए फॉन्ट साइज जो है वो 20 है, इसे हम एग्जाम्पल के लिए बढ़ा देते हैं 40 पिक्सल, ये थोड़ा बड़ा दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर क्लास, क्लास देखिए यहाँ पर डॉट ब्लू, डॉट से स्टार्ट होता है क्लास अगर आप देंगे तो। और यहाँ पर देखिए डॉट रेड, डॉट ग्रीन, ये आपको दिखा। अब आगे अगर आप देखेंगे ये पी टैग जो आपको दिख रहे हैं, पी टैग जो है उसे हमने दिया है 40 पिक्सल। ये यहाँ पर देखिए पी टैग जो है 40 पिक्सल उसका फॉन्ट साइज हमने रखा है। और यहाँ पर देखिए H2 जो है, यहाँ पर H2 को देखिए हमने यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल इटालिक, साइज ये, और कलर रेड रखा है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करते हैं आपको कुछ ऐसा दिखता है। पी टैग जो हमने यहाँ पर बढ़ा दिया था 40 पिक्सल यहाँ पर आपको दिखता है, देखिए ये पी टैग के अंदर है ये। और ये जो आप वो H2 का देख रहे हैं रेड कलर में इटालिक है, यहाँ पर भी अगर आप आके देखेंगे तो फॉन्ट स्टाइल H2 का जो है, यहाँ पर H2 का देखिए, ये देखिए H2 का, H2 टैग के अंदर यहाँ पर हमने दिया है फॉन्ट स्टाइल इटालिक, फाइल जो साइज है उसका 30 पिक्सल, कलर भी यहाँ पर आप देखिए। और डार्क ब्लू वाला जो है कलर ब्लू है, डॉट रेड वाले में कलर रेड है, और डॉट ग्रीन, ये सब क्लासेस हैं। अगर आप IT लिखेंगे तो डॉट की जगह यहाँ पर आप हैश लिखते, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर आप देखिए
पी का जो क्लास है वो ब्लू है। यहाँ पर देखिए ब्लू कलर पैराग्राफ, क्लास यहाँ पर रेड है तो रेड कलर पैराग्राफ, क्लास यहाँ पर ग्रीन है तो ग्रीन कलर पैराग्राफ। चाहे तो आप यहाँ पर क्लास का नाम अलग भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लू वन दे देता हूँ, रेड वन दे देता हूँ, ग्रीन वन दे देता हूँ, और यहाँ पर भी इस क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ, ब्लू वन, रेड वन, ग्रीन वन। अब अगर आप यहाँ पर ब्राउज़र पे देखेंगे तो फिर से आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, जिसमें हम फाइल को लिंक करते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे मेल है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।